आज दिल्ली से लेकर अयोध्या तक सियासी हलचल का दिन है। बीजेपी के सारे सीएम अयोध्या पहुंच रहे हैं, तो इधर संसद में फिर हंगामे के आसार हैं। विपक्षी दल फिर से प्रदर्शन में जुटे हैं। मामला लखीमपुर कांड को लेकर है। राहुल गांधी ने संसद में नोटिस दिया और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को हटाने की मांग पर सभी अड़े हुए हैं। आज फिर संसद में हंगामे के आसार दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पीएम की काशी यात्रा से लेकर संसद से निलंबन तक पर रसाकशी जारी है और इन्हीं मुद्दों पर विपक्ष अपनी नीति को धार दे रहा है। बैठकों का दौर जारी है। आज सुबह से विपक्षी दल मिले, कांग्रेसी भी मिले, लेकिन टीएमसी से दूरी पर कांग्रेस सख्त है। कहा कि आज टीएमसी ममता के साथ कोई नहीं है। तो राहुल गांधी ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दे दिया है। लखीमपुर मामले को लेकर यह प्रस्ताव दिया गया है। अजय मिश्र की बर्खास्तगी की मांग की जा रही है। दोनों सदन शुरू हो चुके हैं। मेंबर, मैंने आपको माननीय सदस्य एक अच्छी परंपरा डालना चाहिए कि प्रश्नकाल के अंदर मैंने कोई आपका स्थगन खारिज तो नहीं किया ना। अभी स्थगन के समय आप विषय उठाया करें, प्रश्नकाल चलने में एक अच्छी परंपरा डालिए कि प्रश्नकाल चलना चाहिए। सारा देश चाहता है प्रश्नकाल। अपनी अपनी सीट पे बैठिए। 9241 सी लाला लाल रोशंगा व्यास, मैं आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दूंगा। हर विषय पर चर्चा संवाद करने का पर्याप्त समय दूंगा आपको। आप अपनी सीट पर जाइए, आप अपनी सीट पर जाकर बैठिए। जब मैं आपका स्थगन खारिज करूं, जब आप विषय उठाइए, आप अच्छी परंपरा डालिए। सदन नियम प्रक्रियाओं से चलना चाहिए और हम सभी चाहते हैं कि अच्छी परंपरा डालें। आप अपनी जगह पर जाएं, प्लीज बैठिए अपनी अपनी सीटों पर, प्लीज बैठिए। माननीय सदस्य गणों, आप विराजें। और सीधे आपको लिए चलते हैं अखिलेश यादव से खास बातचीत की हमने, क्या कहा उन्होंने सुने। अखिलेश जी विजय यात्रा निकाल रहे हैं, ये आत्मविश्वास कहाँ से आया? अभी चुनाव तो जीते हैं नहीं, मुकाबला कड़ा और बड़ा है, लेकिन विजय यात्रा की शुरुआत हो गई आज। ये समाजवादी विजय यात्रा का नाम इसलिए रखा है कि इस विजय रथ के माध्यम से किसान की विजय हो। जो किसान आय दोगुनी मांग रहा है, जिसको वादा किया गया कि सरकार बनने पर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार किसानों की आय दोगुनी करेगी, आज किसान मांग रहा है, इसलिए विजय यात्रा है। नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिले, इसलिए विजय यात्रा है। संविधान को कुचला जा रहा है, जो संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इसलिए संविधान को बचाने के लिए विजय यात्रा है। जय विजय का तो आशीर्वाद मांगा जाता है, जीत के बाद विजय यात्रा निकाली जाती है, इस वजह से ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। अति आत्मविश्वास तो नहीं है ये आपका? अगर मैं देखूं 11 बजे सुबह के 11 बजे हैं और अगर ये जन समर्थन है, तो ये जन समर्थन बदलाव चाहता है। पिछले 4.5 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और डबल इंजन की सरकार ने जनता को निराश किया है। वो अपना संकल्प पत्र पलट करके देखें, क्या किसान की आय दोगुनी हो गई? अगर हम हिसाब किताब सही सा लगाएं, तो खाद मिल नहीं रही, खाद की बोरी से चोरी हो गई, आमदनी आधी है, कमाई आधी है, महंगाई बढ़ी है। यहाँ के लोगों ने कोरोना के समय अपने परिवार को खोते देखा है, उन्हें लाइन में लगना पड़ा। आज तो खाद के लिए किसान लाइन में लगा है, लेकिन इससे पहले बिस्तर के लिए लाइन में था, दवाई के लिए लाइन में था, ऑक्सीजन में लाइन में था, और यही माँ गंगा में न जाने कितनी लाशें बहती हुई जनता ने देखा है, अपने परिवार के सदस्यों को खोते हुए देखा है। केवल कोरोना में नहीं, मुझे याद है लॉकडाउन के समय पर जिस समय मजदूर चल करके आए थे बड़े पैमाने पे, उत्तर प्रदेश के मजदूर जो घर आए थे, लगभग 90 मजदूर ऐसे थे जो परिवार से मिल नहीं पाए, उनकी जान पहले चली गई। उनकी जान जाने की जिम्मेदारी किसकी है? उनके परिवार की किसी ने मदद नहीं की, इसलिए नाराजगी दिखाई दे रही है। आपसे मेरा सीधा सा सवाल अब ये है, आप जहां जा रहे हैं अपनी इस लाल टोपी को हथियार बना रहे हैं, बीजेपी के एक रंग से भी आपको बहुत दिक्कत है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अच्छा है कि हम बहुरंगी नहीं है, जो बार बार रंग बदलते हैं वो होते हैं बहुरंगी। सवाल रंग का नहीं है,
ये जो लाल रंग है ये समाजवादियों को जयप्रकाश जी से मिला। जयप्रकाश जी ने लाल टोपी पहनी, जनेश मिश्र जी ने लाल टोपी पहनी, त्रिभूषण तिवारी जी ने लाल टोपी पहनी, मोहन सिंह जी ने लाल टोपी पहनी, नेताजी ने लाल टोपी पहनी। ये लाल रंग भावनाओं का रंग है, भावनाओं को भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ सकती, ये इमोशन का रंग है। अगर आप गुस्सा होते हैं तो आपको लाल रंग दिखाई देता है, चेहरे पे अगर खुशी आती है तो चेहरा लाल होता है। हमारा आपका खून लाल है और इत्तेफाक की बात है लाल टोपी मैं पहनूं, आज आप भी लाल कपड़े में हैं। तो ये लाल रंग जहाँ इमोशन का कलर है वहीं सबसे वाइब्रेंट कलर भी अगर कोई है तो लाल है। तो बीजेपी को सावधान होना चाहिए लाल रंग से। लाल रंग ने में जोड़े बनते हैं, लाल रंग हमारे सिंदूर का होता है। अब सिंदूर की बातें जोड़े की बातें भारतीय जनता पार्टी क्या समझेगी? जिन्होंने मजदूरों को मरने पे छोड़ दिया, कोरोना में अनाज जनता को छोड़ दिया, तो भारतीय जनता पार्टी को असली मुद्दों पर बहस करनी चाहिए। आज बेकारी बेरोजगारी क्यों है? अगर ये असली मुद्दे हैं तो आप भी जिन्ना कैंप से क्यों करवाते हैं? और अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो दिन वो बनारस में थे, उन्होंने औरंगजेब का जिक्र किया, कहा आतताइयों ने किस तरह से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को विश्वनाथ मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन कॉरिडोर अब लोगों के सामने है। क्या आप भी दर्शन करने के लिए जाएंगे ये पूछा जा रहा है? नहीं, मैं पहले भी दर्शन करने गया था, बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन मंदिर मैं पहले भी गया हूँ, और जब बाबा बुलाएंगे तो मैं फिर जाऊंगा और सरकार बना करके बाबा के दर्शन करने जाऊंगा। गंगा में स्नान हमने भी लिया, पहले भी लिया है। सवाल ये है कि जैसे ही चुनाव करीब आता है भारतीय जनता पार्टी का चश्मा धार्मिक हो जाता है, धार्मिक चश्मे से सब चीजें देखने लगते हैं। आज उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है डबल इंजन की सरकार से, क्या उत्तर प्रदेश की $1 trillion इकोनॉमी की बात की गई थी? निवेश के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी आए थे, आज उत्तर प्रदेश से निवेश कितना आया है? जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनने की बात थी वो इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बना है? क्या नौजवानों की नौकरी रोजगार और आज के समय के हिसाब से जो ट्रेनिंग होनी चाहिए, जिन परिस्थितियों में नौकरी मिल सकती है, क्या उस पढ़ाई या कोर्स का इंतजाम किया सरकार ने? इन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। वो गिना तो रहे हैं, काशी में जो उन्होंने निर्माण किया है, एयरपोर्ट जो बनाए गए हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, कहा पैसा तो हमारी सरकार में रिलीज हुआ। देखिए, ये मैं क्या कहता हूँ, बीजेपी क्या कहती है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप उस चीज को दिखाएंगे कि शुरुआत कहाँ से हुई है। कोई कुछ भी कहे, क्या समाजवादी पार्टी ने सहयोग नहीं किया काशी के विकास के लिए? मुझे याद है जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए, काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए बिल्डिंगें लेने का प्रस्ताव आया था तो 4 या 5 बिल्डिंग समाजवादी सरकार में ली गई। वर्णा का सुंदरीकरण, वर्णा को सफाई करने का काम शुरू हुआ था, आखिरकार इन्होंने रोक दिया। मेट्रो का DPR बन गया, मेट्रो क्यों नहीं शुरू हुई? बनारस और सारनाथ की अंडरग्राउंड केबलिंग बिजली को 24 घंटे करने का इंतजाम समाजवादियों ने किया, गंगा पे पुल समाजवादियों ने बनाए। समाजवादी सरकार ने कहीं भेदभाव विकास के लिए नहीं किया होगा, अगर वो बताएं कि किस योजना में भेदभाव किया। अगर भेदभाव किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हम देख पा रहे हैं भीड़ जबरदस्त है, एक बार फिर से आप दिखाइए, भीड़ यहाँ पर जबरदस्त है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आते हैं उत्तर प्रदेश में उन्हें भी देखने सुनने वालों की भीड़ होती है और वो देश के सबसे बड़े नेता हैं। इस बार लग रहा है यूपी का चुनाव एक बार फिर से मोदी जी ने अपने हाथ में ले लिया है, आक्रामक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। आपका मुकाबला योगी आदित्यनाथ से है या प्रधानमंत्री के आ जाने से थोड़ा आत्मविश्वास हिल रहा है? मुझे खुशी है इस बात की कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को चुनाव से पहले ही किसी ने पैदल कर दिया। हमने सड़क पे और उत्तर प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री जी को पैदल पैदल चलते हुए देखा। अभी चुनाव नहीं आया और जब चुनाव आएगा तो आने वाले समय में जो परिणाम होगा उसमें देखेंगे आप कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पैदल हो जाएंगे। जहाँ तक गंगा का सवाल है, कितनी अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री जी ने डुबकी नहीं ली गंगा में। वो इसलिए डुबकी नहीं ली क्योंकि वो जानते हैं कि हिंडन नदी साफ नहीं हुई वो गंगा में जुड़ जाती जाके अंतोगत्वा, काली नदी साफ नहीं हुई उसका पानी भी गंगा में जुड़ता है, गोमती तो डुबकी ली थी ना। वही मैं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी को पता था कि गंगा अभी साफ नहीं हुई है। प्रधानमंत्री को नहीं जानकारी थी। नहीं, वही मैं कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी को पता है कि जितनी भी सहयोगी नदियां हैं जो गंगा में जुड़ती जा करके,
वो अभी साफ नहीं है। गोमती साफ नहीं हुई, यमुना साफ नहीं हुई, काली नदी साफ नहीं हुई, हिंडन साफ नहीं हुई। इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने डुबकी नहीं लगाई, प्रधानमंत्री ने डुबकी लगाई। जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की भी है, इसलिए जनता देख रही है बदलाव के लिए कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश विकास में पीछे हुआ है, उत्तर प्रदेश की सरकार बदलेगी। योगी जी ने डुबकी नहीं लगाई, आप इस पर टिप्पणी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने डुबकी लगाई, राहुल गांधी इस पर टिप्पणी कर रहे हैं, और राहुल गांधी हिंदू और हिंदुत्व को अलग अलग कर रहे हैं। आपके 2017 में मैंने प्रधानमंत्री जी की डुबकी के बारे में नहीं कहा। मैंने ये कहा कि कहा। वो क्या कहते हैं वो सवाल नहीं है। मैंने ये कहा कि माँ गंगा को साफ करने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया था। क्या हिंडन साफ हो गई, क्या काली नदी साफ हो गई, क्या यमुना नदी साफ हो गई, या और सहायक नदियां जो गंगा में जुड़ती हैं वो साफ हुई? क्योंकि मुख्यमंत्री जी जानते हैं कि ये नदियां साफ नहीं हुई हैं, इसीलिए उन्होंने गंगा में डुबकी नहीं लगाई। मुझे पता है आपकी दिन भर आज सभाएं होनी है। दो छोटे छोटे सवाल और, जरा भीड़ भी आप दिखाते रहिए। ये देखिए कि अखिलेश यादव की एक झलक और एक अभिवादन से किस तरह से यहाँ के लोग बिल्कुल जोश में आ जाते हैं, और पूरी की पूरी अगर इस पूरे हिस्से को देखेंगे तो खचाखच लोगों से भरा हुआ है। ये चीलम जीवी, पैदल जीवी, ये अलग अलग जीवी आप रोज रोज निकाल के लेकर आ रहे हैं, तो ये भी एक स्ट्रैटेजी बना लिया आप। अब कैची जीवी निकाल के लेकर आए हैं कि जो जहां भी वो कैची चला रहे हैं, आपको लगता है कि वो लोग कैची जीवी सरकार? क्या ये लाल टोपी आतंकवादियों की है? ये टोपी के बागे में शुरू किसने किया? शुरू समाजवादियों ने नहीं किया, समाजवादियों ने नहीं कहा अब्बाजान? ये अब्बाजान किसने कहा, और अब्बाजान का मतलब क्या था? अब्बाजान का मतलब क्या था? ये शुरुआत किसने की? ये शुरुआत अगर की तो भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मुख्य मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ना चाहती। वो आपके कार्यकाल के जो बार बार कहते हैं कि गुंडा राज आ जाएगा अगर आपकी वापसी हुई, तो गुंडागर्दी बहुत होती थी, वो बार बार इस बात का याद दिलाते हैं 2012 से 2017 के बीच। देखिए, जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज अगर कोई उत्तर प्रदेश की पुलिस में लाने का काम किया, वो समाजवादी सरकार में हुआ। आपका डायल हंड्रेड जो डायल 112 है, टेक्नोलॉजी को जोड़ना पुलिस के लिए, रिस्पांस सिस्टम बेहतर बनाना, समाजवादी सरकार में काम हुआ। अभी देश के सभी डीजीपी आए पुलिस हेडक्वार्टर, जहां पुलिस की वर्किंग अच्छी हो सके, वो आराम से बैठ करके जनता की मदद कर सकें, उसके लिए एक इंतजाम पुलिस हेडक्वार्टर दिया गया था। तो जहां तक कानून का सवाल है, एनसीआरबी का डेटा कहता है कि किस सरकार में कैसा हुआ। आज सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ हैं, आज सबसे ज्यादा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की नोटिसेस सरकार को मिली हैं। तो अगर ये घटनाएं हो रही हैं, खुलेआम फेक इनकाउंटर्स हो रहे हैं, इसी जौनपुर में एक बच्चा केवल सेल्फी बना रहा था, पुलिस ने इतना पीटा उसके पिताजी को 20,000 रुपए के लिए कि उसकी जान चली गई। यहीं पर एक कृष्णा लड़का है, कबीर लड़का है, उसको पुलिस ने इतना पीटा कि उसकी जान चली गई। आपके गोरखपुर में एक व्यापारी केवल व्यापार के लिए आया था, उसको इतना मारा पुलिस के लोगों ने, जान चली गई। ये घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ठोकर रास्ते चलाना चाहती है। लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूँ, जब हम स्ट्रक्चरल चेंज ला सकते हैं, आने वाले समय में न्याय मिलेगा और किसी को भी अधिकार नहीं होगा कि कानून से खिलवाड़ कर सके। इतनी सारी भीड़ है, समाजवादी पार्टी को एक वक्त पर MY यानी कि मुस्लिम और यादवों की पार्टी कही जाती थी, क्या अब बदलाव आ गया है, और इस भीड़ में क्या आपको सभी जातियों का समर्थन मिल रहा है? देखिए, MY जरूर आरोप लगता था MY के लिए, लेकिन आज महिलाएं और युवाओं को साथ लेकर के समाजवादी पार्टी काम कर रही है, जहां MY अपना फैक्टर है, लेकिन वहीं महिलाओं के लिए जो योजनाएं बननी चाहिए, युवाओं के लिए जो काम होने चाहिए, उन चीजों को लेकर के समाजवादी पार्टी जाएगी। जब समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो आएगा तो आप देखेंगे कि हर वर्ग को जोड़ने का काम, और ये भी मैंने कहा है कि जाति जनगणना को लेकर के बहुत सारे दल, बहुत सारी जातियां चाहती हैं जाति जनगणना हो जाए। केवल उत्तर प्रदेश की जातियां नहीं, बल्कि देश की अलग अलग पार्टियां भी जाति जनगणना चाहती हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों ने स्वीकार नहीं किया। मैं भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले समय में समाजवादी सरकार आएगी, तो अगर 3 महीने में भी जाति जनगणना करनी पड़ी तो जाति जनगणना करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इसीलिए सबकी भागीदारी हो, सबका सम्मान हो, इसीलिए ओमप्रकाश राजभर जी को साथ लिया है, कृष्णा पटेल जी हैं आदरणीय कृष्णा पटेल, उनको साथ लिया है, संजय चौहान जी चौहान समाज की एक बड़ी पार्टी है, उनको साथ लिया है, महान दल कुशवाहा सैनी समाज के लोग हैं, उनको साथ लिया है,
कोशिश है कि क्षेत्रीय दलों को साथ लाएं और छोटे दलों को जोड़ करके उत्तर प्रदेश में एक बदलाव की बात कहें। 2017 में यही काम, मैं चाहूंगी आप दिखाते रहिए लोगों को भी, 2017 में यही काम बीजेपी की ओर से भी किया गया था, छोटे दलों को साधा गया। आपके पास कृष्णा पटेल है, उनके पास अनुप्रिया पटेल है, उनके पास भी छोटी छोटी बीजेपी ने जो समीकरण साधा था, क्या उसी को साध कर 2022 में 22 किल को दोहराना चाहते हैं? देखिए, जो बीजेपी ने किया था, आज पिछड़े और दलित वो तमाम वो लोग हैं जिन्होंने बीजेपी के लिए दरवाजा खोला था। आज वही पिछड़े दलित अल्पसंख्यक भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद कर करके उसमें सिटकनी लगा देंगे। आखिरी सवाल, 18 करोड़ लोगों को टीके लग चुके हैं कोरोना के, मुख्यमंत्री जी की ओर से यह ट्वीट किया गया है, तो कोरोना के बाद से लेकर लगातार सरकार की कोशिश यही है कि जल्द से जल्द लोगों को पूरी तरह से सुरक्षित किया जाए, इसका भी जिक्र कर रहे हैं। उनकी ओर से जो अनाज मुफ्त में बांटे जा रहे हैं उसका काम गिना रही है बीजेपी, जो घर बनवाए गए हैं पीएम आवास योजना के तहत 2.5 लाख और 1.5 लाख रुपए जो गरीबों को दिए गए हैं, उस पर क्या कहना है? देखिए, ये हर सरकार योजना चलाती है, समाजवादी लोहिया आवास चल रहा था, हालांकि उसकी संख्या बहुत नहीं थी, 1,45,000 से मैंने शुरू किया था। आयोजन तो खत्म हो गया, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम का यूपी प्रवास अभी खत्म नहीं हुआ है। बीजेपी शासित सूबों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री आज अयोध्या पहुंच रहे हैं, उनके साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी होंगे। यहां वो रामलला के दर्शन करेंगे और अयोध्या में चल रहे राम मंदिर के निर्माण का काम भी देखेंगे। बीजेपी की ये आध्यात्मिक यात्रा जारी है। काशी के कायाकल्प का भव्य आयोजन खत्म हुआ। पीएम मोदी तो वाराणसी से दिल्ली लौट आए, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम अगले धार्मिक पड़ाव पर निकल आए हैं। ये पड़ाव है अयोध्या का। 11 राज्यों की सत्ता आज परम सत्ता के सामने आस्था प्रकट करने अयोध्या आ रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं सरयू की घाट पर। सबसे पहले आपको दर्शन करवाएंगे माँ सरयू के। आप तस्वीरों के जरिए देखिए, ये सरयू घाट है और यहीं पर माँ सरयू हैं, और यहीं पर जो तैयारियां की गई हैं हम आपको वो दिखाएंगे। यहीं पर वो सीएम्स 11 सीएम्स बीजेपी शासित राज्यों के हैं और डिप्टी सीएम्स हैं, वो सारे यहीं पर आएंगे और उनके स्वागत को लेकर तैयारियां करी गई हैं और अभी से साफ सफाई भी लगातार कराई जा रही है। कैसा माहौल है अयोध्या में इस वक्त ओवरऑल? ये माहौल तो बहुत ही अच्छा है बाबूजी, और उसके बाद में समझ लीजिए राम जन्मभूमि बन जाएगा तो और अच्छा लगेगा। मंत्रियों का आना तो उनका भी अपनी कोई कामना ही होगी जो आएंगे यहाँ पे। सबकी एक अपनी आशाएं होती हैं जो अपनी अपनी भावनाओं को लेकर के लोग यहाँ पे आकर के अपनी बातों को अपनी संवेदनाओं को समर्पित करते रहते हैं। उनकी कृपा है, उनके पर योगी मोदी ही रहेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे और मुख्यमंत्री भी योगी आदित्यनाथ जी का ही है। हाँ, भगवान कृपा उन्हीं के, समझो भगवान का अवतार हुआ है, समझ लीजिए आप। हाँ, प्रभु श्री राम जी की कृपा हो गई है। बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों का दल परिवार समेत रामलला के दरबार में हाजिरी देंगे। इन सभी विशिष्ट मेहमानों का हनुमान गढ़ी और श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन पूजन का प्लान है। सूत्रों के मुताबिक ये सभी निर्माणाधीन श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भी अवलोकन करेंगे। जिस मंदिर के लिए उन्होंने कभी आंदोलन किया था उसके निर्माण की प्रक्रिया के बारे में जानकारी लेंगे। ये मुख्यमंत्री कौन है? तो ये सब वो लोग हैं जिन्होंने आज से 25 साल 30 साल पहले अपने अपने क्षेत्रों में तरुणाई के अंदर अपने अपने राज्य के अंदर राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए मंदिर निर्माण के लिए और सड़कों पर व्यवहार किया है, आंदोलन किया है। ये सारे मुख्यमंत्री वैसे ही हैं। तो काशी से कारवां आगे बढ़ते बढ़ते अयोध्या आ पहुंचा है। बाबा विश्वनाथ के मंदिर को भव्यता मिल चुकी है। अब अयोध्या में जोर शोर से राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम राम मंदिर निर्माण का साक्षी होना चाहते हैं, इतिहास बनते देखना चाहते हैं, वो इतिहास जिसके कर्ता धर्ता पीएम नरेंद्र मोदी हैं। इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं।
अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेलदेव जैसे वीर योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा देते हैं। पहले काशी और अब अयोध्या, ये महज धार्मिक आयोजन नहीं है। यूपी का चुनाव दहलीज पर आकर खड़ा है और मथुरा काशी अयोध्या की चुनावी माहौल में जबरदस्त चर्चा है। काशी अध्याय के बाद पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी के चुनावी अभियान के केंद्र में दिखने लगे हैं। बीजेपी पूरी तरह पीएम मोदी के आश्रय दिखने लगी है। सचमुच में सब कुछ अद्भुत है। 350 साल पहले माँ अहिल्या देवी ने बाबा विश्वनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था और उसके बाद भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से ये कॉरिडोर बना है, बाबा का कॉरिडोर। तो मैंने पहले भी 2014 में यहाँ मंदिर के दर्शन किए, भोले बाबा के दर्शन करने के लिए मैं आया था, लेकिन इस बार का जो ये सारा दृश्य और जो मंदिर का एक रेनोवेशन हुआ है और मैं समझता हूँ आदरणीय मोदी जी ने और योगी जी ने लाखों करोड़ों शिव भक्तों की इच्छा को पूरा किया है और एक भव्य मंदिर का जो एक निकल करके आया उसमें से। काशी में जीवन में मैं 5-6 बार आया हूँ, लेकिन आज जो भव्य दिव्य दृश्य मैंने देखा ये अकल्पनीय है। जब उस समय आया था और आज का जो काशी है, खास करके बाबा का मंदिर का, ये आप वर्णन नहीं कर सकता है। बहुत ही अकल्पनीय है, भव्य है, दिव्य है। तो जिस प्रकार से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने भारत की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक परंपरा को पुनर्जीवित किया और जो काशी विश्वनाथ की पुरानी भव्यता थी उसको आज एक नए स्वरूप में लोकार्पित किया, यह भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ही कर सकते हैं। बीजेपी मोदी के पीछे खड़ी है और पीएम मोदी का पूरा जोर उत्तर प्रदेश पर दिख रहा है। उत्तर प्रदेश का चुनावी युद्ध लगातार दिलचस्प होता जा रहा है। अयोध्या से बनवीर सिंह, चंदौली से उदय गुप्ता के साथ समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक। समर्थ श्रीवास्तव हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। समर्थ, आप सरयू घाट पर हैं, सरयू नदी के किनारे मौजूद हैं, क्या तैयारी आप देख रहे हैं और क्या सिलसिला शुरू हो चुका है मुख्यमंत्रियों के पहुंचने का और कार्यक्रम की शुरुआत कैसे होगी? देखिए, काशी में समागम के बाद आज सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का संगम आज रामनगरी अयोध्या में होने वाला है। मैं इस वक्त सरयू घाट पर मौजूद हूं और मेरे ठीक पीछे मां सरयू हैं। मैं आपको दृश्यों के जरिए अगर दिखाऊं, दर्शन करवाऊं मां सरयू के, तो ये पूरा समागम, यहां सजावट हुई है, यहां पर तैयारियां हुई हैं, क्योंकि यहां पर आज सीएम्स, डिप्टी सीएम्स बीजेपी शासित राज्यों के आने वाले हैं, चाहे मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान हो या उत्तराखंड के सीएम हो, कई अन्य राज्यों के सीएम भी हैं। और तैयारियां मैं आपको दिखा रहा हूं सबसे पहले कि किस तरह से पूरा फूलों से पूरे सरयू घाट को सजाया गया है और यहां पर दुग्धाभिषेक की भी तैयारियां करी गई हैं। आप कलश देख पाएंगे, यहां पर कलश भी रखे गए हैं। जो सीएम्स और डिप्टी सीएम्स आएंगे, ये सरयू मां की पूजन के बाद इसमें दुग्धाभिषेक भी यहां पर करेंगे। इसके अलावा मंत्रोच्चारण भी होगा और इस पूजा पाठ के बाद ये सारे सीएम्स और डिप्टी सीएम्स कुछ देर राम की पैड़ी पर भी जाएंगे, जिसके बाद बजरंगबली के दर्शन कर रहे हैं हनुमानगढ़ी और फिर रामलला जन्मभूमि परिसर में जाएंगे और जो राम मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसकी जानकारी भी लेंगे और रामलला के दर्शन भी करेंगे और उसके बाद इनकी वापसी होगी। पर जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, कितनी सुंदरता से पूरे सरयू घाट को इस वक्त फूलों से सजा दिया गया है। अलग अलग तरह के फूल यहां पर लगाए गए हैं, बजरंगबली के यहां पर ध्वज भी लगाए गए हैं जिनमें जय श्री राम लिखा है, पर संदेश यहां पर भाजपा एकदम साफ देना चाहती है। जिस तरह उत्तर प्रदेश का चुनाव अब नजदीक आ रहा है, यह संदेश साफ है कि बीजेपी इस बार आस्था और अध्यात्म के ही नाम पर चुनाव में आगे जाने वाली है। विपक्षी चाहे कितना भी अटैक करे, पर उनका यह कहना साफ है, प्रधानमंत्री का काशी में होना और सारे सीएम्स को लाना और उनके साथ बैठक करना, रात में सड़कों पर निकल जाना और फिर अयोध्या में सारे सीएम्स का समागम होना, राम की पैड़ी पर इंतजाम होना और सरयू घाट की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई और इन नाव, ये जिस तरह से नाव वगैरह यहां पर लगाई गई हैं उनकी तस्वीरें मैं जहां से रिपोर्ट कर रहा हूं वो दिखा रहा हूं। तो ये सब एक साफ संदेश है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश चुनाव में इसी
इसी एजेंडे पर आगे चलने वाली है और ये एकदम यहाँ से साफ हो गया है। राम जन्मभूमि में यहाँ पर सीएम जाएंगे, वहां पर दर्शन पूजन करेंगे और जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहां पर एलएनटी के जो इंजीनियर्स हैं वो उन सीएम को ब्रीफ करेंगे, वहां के बारे में भी बताने वाले हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया समर्थ इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो पीएम मोदी के काशी दौरे पर बीजेपी और विपक्ष के बीच तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पहले अखिलेश के बयान पर बीजेपी भड़की, अब राहुल गांधी ने बीजेपी को आग बबूला कर दिया है। और जिस अंदाज में नेताओं के बीच जुबानी जंग हो रही है उससे यूपी चुनाव से पहले हिंदुत्व पर मोर्चाबंदी साफ दिख रही है। बीजेपी पूरी तरह से आक्रामक लग रही है। इस दिव्य नजारे को पूरी दुनिया ने देखा, पूरा देश इस भव्यता को चकित होकर देख रहा था। जो नामुमकिन दिख रहा था वो साकार हो रहा था। जब देशवासी काशी के इस वैभव पर खुशियां जता रहे थे, समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव और कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे बीजेपी नेताओं की भौहें तन गईं। मीडिया में किसी और का चेहरा नहीं आएगा, किसी और नेता का चेहरा नहीं आएगा, बस आपका चेहरा आएगा। गंगा में कोई भी स्नान कर दे वो टीवी पे नहीं आ सकता, मगर अकेले प्रधानमंत्री गंगा में स्नान करेंगे पूरा हिंदुस्तान देखेगा, पूरा हिंदुस्तान देखेगा, क्योंकि एक प्रधानमंत्री के पीछे पूंजापतियों की दो तीन शक्ति है और उन्होंने इन कैमरों को कैप्चर कर रखा है और उन्होंने इन लोगों को जो जनता की आवाज है उनको पार्लियामेंट से बाहर निकालकर गांधी स्टैचू के पास बैठा दिया। मैं बाबा से प्रार्थना करता हूं, चाहे वो राहुल जी हों, चाहे वो अखिलेश जी हों और चाहे कोई भी ऐसे राजनीति करने वाले भाजपा विरोध में पागल हो गए लोग हों, माननीय मोदी जी के कार्यों को देख करके बौखला गए लोग हों, वह सारे लोगों को बाबा सद्बुद्धि दे, यही प्रार्थना करके जाते हैं। उधर अखिलेश का पीएम मोदी पर काशी प्रवास वाला बयान भी बीजेपी के गुस्से का सबब है। बनारस में आज प्रधानमंत्री और एक महीने का कार्यक्रम वहाँ रखे जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, एक महीना नहीं दो महीना तीन महीना वहीं रहें, अच्छी बात है, वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है। सपा भी चाहती कि बीजेपी का नाम लो तो उसके बराबर से उसका नाम की तुलना हो, बसपा भी यही चाहती कि बीजेपी का नाम लो उसके साथ में उसकी तुलना हो, यहाँ तक का हैदराबाद से आए हुए भाईजान भी यही कोशिश करते हैं कि जितना जहर उगलो बीजेपी का नाम लेके कि बीजेपी से उनकी तुलना हो। बीजेपी की तुलना किसी से नहीं है, इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में एकमात्र संदेश है कि बीजेपी का मुकाबला किसी से नहीं है, नंबर दो तीन चार के लिए ये सब आपस में लड़ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि पिछला रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी का टूटेगा और अप्रत्याशित परिणाम इस बार उत्तर प्रदेश के आएंगे। 300 से ज्यादा सीटें, मैंने कहा ना पिछला रिकॉर्ड टूटेगा। हालांकि आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में अखिलेश ने सफाई दी कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। उनके कहने का मतलब यूपी से बीजेपी सरकार की विदाई से था। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर बनारस के बारे में आपको कुछ जानकारी है, स्वाभाविक है आप सब बात जानते हैं, बनारस लोग क्यों जाते हैं? आखिरी वक्त सरकार का है, ये सरकार जाने वाली है। समाजवादी पार्टी का और मेरा यही मानना है कि आखिरी वक्त पे कुछ भी कर लेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश का किसान, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग के लोग इस सरकार को हटाना चाहते हैं। यूपी की सियासत में चुनावी रंग तेजी से चढ़ने लगा है। तीखी बयानबाजी सर्दी के मौसम में गर्मी का एहसास कराने लगी है। जौनपुर से प्रीति चौधरी के साथ हिमांशु मिश्रा, वाराणसी आज तक। बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री आज अयोध्या पहुंच रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री गोवा में हैं, तो वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज पंजाब में होंगे। और देश की राजनीति में मुख्यमंत्रियों को ऐसे सियासी कार्यक्रम में सक्रिय, पहले ऐसी सक्रियता नहीं देखी गई। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने तो पार्टी के विस्तार प्लान पर पूरी ताकत झोंक दी है। मैदान तो गोवा का है लेकिन फॉर्मूला बंगाल वाला ही दिख रहा है। ममता बनर्जी गोवा में भी दुर्गा मंत्र का उसी अंदाज में जाप कर रही हैं।
जैसा उन्होंने सिंगूर में किया था। बंगाल से गोवा तक ममता बनर्जी खुद को ज्यादा सच्चा हिंदू साबित करने में लगी हैं। हमारा हिंदुत्व हमारे हिंदुत्व से बेहतर का ये मुकाबला लगातार जारी है और इसलिए ममता बनर्जी के निशाने पर सबसे पहले पीएम मोदी हैं। हम लोग वोट का टाइम पे गंगा में पूजा नहीं करते हैं, वोट का टाइम में जाके मोदी जी ने डूब दिया। वोट आता है तो वो कुछ करते हैं, वोट आते हैं तो कभी उत्तराखंड में मंदिर में बैठ जाता है तपस्या करने के लिए, वोट आते हैं तो खुद अपनी अपने प्रोविज हो जाता है। हमारा एहसास नहीं है करने तो उसका फ्रीडम है, लेकिन पूरा साल कहा है देश में गंगा बहते हैं और देश में गंगा पे यूपी गवर्नमेंट कभी का डेड बॉडी फेंक देता है। गंगा माई को अपवित्र किया है, कितना कोविड पे बड़ा है उसका कोई नंबर नहीं रखने के लिए गंगा में फेंक दिया। जो गंगा का पानी को मैं हम लोग पवित्र बोलता है, गंगा को हम माई बोलता है, जो देश में गंगा बहते हैं तो देश में बीजेपी लोगों ने कोविड का डेड बॉडी फेंक दिया। गोवा में ममता बनर्जी हैं तो अयोध्या में बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की पूरी ब्रिगेड है। तो उधर केजरीवाल आज फिर पंजाब कूच पर निकले हैं। बीजेपी को अयोध्या अध्याय के लिए मुख्यमंत्रियों को सरयू किनारे उतारना पड़ रहा है तो ममता और केजरीवाल अपनी अपनी पार्टी को विस्तार देने के मिशन में लगे हैं। ममता बनर्जी का तो अच्छा खासा वक्त बंगाल से बाहर बीत रहा है। 28 से 30 अक्टूबर गोवा, 22 से 25 नवंबर दिल्ली, 30 नवंबर से 1 दिसंबर मुंबई, 13 से 14 दिसंबर गोवा। ममता बनर्जी का राजनीतिक दौरा लगातार जारी है। पूरी कोशिश हो रही है तृणमूल कांग्रेस को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने की, खुद को विपक्षी दलों का सबसे बड़ा चेहरा बनाने की। ममता की अपनी मंजिल है तो केजरीवाल की भी पंजाब और उत्तराखंड और गोवा पर निगाहें हैं। जरा केजरीवाल की यात्राओं का ब्यौरा देख लीजिए। 14 दिसंबर काशीपुर में जनसभा, 21 नवंबर हरिद्वार का दौरा, 19 सितंबर हल्द्वानी में रोड शो, 17 अगस्त देहरादून में रोड शो, 11 जुलाई एक दिन का देहरादून दौरा, 7 दिसंबर जालंधर का दौरा, 22 नवंबर मोगा लुधियाना चंडीगढ़ का दौरा, 27 नवंबर मोहाली का दौरा, 19 सितंबर लुधियाना चंडीगढ़ का दौरा, गोवा 10 दिसंबर 5 दिसंबर 17 नवंबर 7 नवंबर 1 नवंबर। अरविंद केजरीवाल की तीनों राज्यों में चुनावी परिक्रमा जारी है और आज एक बार फिर वो पंजाब में हैं। आज तक ब्यूरो।